हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से ही हमने हमारे इस चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू किया है, जिसमें हम पुरानी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। और कल हमने बताया था कि शाहरुख खान की फिल्म कल होना होने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की थी। वही दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक साल पहले रिलीज हुई फिल्म 2.0 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 नवंबर 2018 को रिलीज हुई एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म और इंडिया की सबसे महंगी फिल्म 2.0, जिसके लीड में आपको भारत के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स रजनीकांत सर और अक्षय कुमार सर नजर आए थे। दोस्तों, ये फिल्म 2010 में आई रोबोट का सिक्वल थी और इस फिल्म का डायरेक्शन क्या था एस शंकर सर ने। बात करें अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको काफी अच्छे वीएफएक्स और काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिली थी, जिसमें अक्षय कुमार सर ने विलन का किरदार निभाया था और एक तरफ थे रजनीकांत सर, जिनके कि इस फिल्म में 3 से 4 रोल थे। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का काफी इंतजार हुआ था, क्योंकि यह फिल्म इंडिया की सबसे महंगी फिल्म थी। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों कई बार इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज होने के कारण इस फिल्म को आखिरकार 29 नवंबर 2018 को रिलीज किया गया। पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कमाई की, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो कि इंडिया में आज तक रिलीज हुई सबसे बड़ी फिल्म है। और इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 60 करोड़ 25 लाख रुपए सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से कमाए, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन रहा था लगभग 121 करोड़ रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था और उस वक्त पर सबसे बड़ी फिल्म बनकर साबित हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन था वो इंडिया से रहा था 303 करोड़ 25 लाख रुपए का। सेकंड वीक में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे 74 करोड़ 5 लाख रुपए। और दोस्तों, इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर रहा था 407 करोड़ 5 लाख रुपए का। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो भी काफी शानदार रहा था, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ओवरसीज में भी काफी पसंद किया गया। यूएसए बॉक्स ऑफिस, चाइना बॉक्स ऑफिस और सभी बॉक्स ऑफिस को मिलाकर यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 753 करोड़ की कमाई करके इंडिया की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म आज भी तमिल इंडस्ट्री में सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है। वही दोस्तों, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अक्षय कुमार सर के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। उसके बाद दोस्तों कई सारी अक्षय कुमार सर की फिल्में आई है, जो कि अब उनसे ज्यादा कमाई कर चुकी है। हालांकि अगर बात करें 2018 की, तो दोस्तों 2018 में यह फिल्म नंबर 1 फिल्म बनी थी इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड यहाँ पर अक्षय कुमार की 2.0 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बनाए थे। दोस्तों, ये फिल्म हिंदी में तो हिट फिल्म साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म का तमिल और तेलुगु से जो कलेक्शन था वो इस फिल्म को एवरेज बताता है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस तरह से ये फिल्म एक साल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी और आज भी एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बनी हुई है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।